Hello, champs, and welcome to today's grammar session. Today, we'll adverbs in under 15 minutes. But before we get started, make sure you hit that like button if the videos are helping you, and hit that subscribe button so that you don't miss out on any updates. Jaldi jao subscribe karke aau, and let's get right into our adverbs. ओके नाउ एड से काफ़ी लोग डरते हैं क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूजिंग है एबजेक्टिव हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट एडवर्ब्स कैन टॉक अबाउट और यू नो एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स सो वी विल गेट सम क्लैरिटी ऑन वॉट एडवर्ब्स डू टूडे बट क्योंकि वर्ब्स तो है ही नाम में तो हमें पता है कि एडवर्ब्स वर्ब्स एड एड वर्ब सो एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट

मैनर में के बारे में कैसे हो रहा है कॉज और डिग्री क्यों हो रहा है और किस हद तक हो रहा है ठीक है ये सारे क्वेश्चन एडब आंसर कर देंगे ना वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एडब ऑफ टाइम एवरीडेस्टरडे ठीक है हमें टाइम का आइडिया देते हैं कि एक्शन कब हुआ था मैनर स्लोली क्विकली कैसे हुआ था प्लेस समवेयर एवरीवेयर आउटसाइड इनसाइड ये सब आपको पता थे कहाँ हुआ था एंड डिग्री फुल्ली एक्सट्रीमली ओके किस हद तक हुआ था नाव हीस अ फुल चीट शीट फॉर यू टू लुक एट सोल गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट एड वर्ब्स एंड यू नो एड वर्ब्स विल ऑलवेज आंसर दीज क्वेस् सो अगर आप सोचो हाउ तो दे देखो सेंटेंस को टॉक क्वाइटली या शी वॉज टॉकिंग क्वाइटली तो हाउ वॉज शी टॉकिंग हाउ शुड वी बी टॉकिंग कैसे कैसे बात करनी चाहिए हमें क्वाइटली तो so, आपका जो आंसर होगा हाउ के क्वेश्चन का वो आपका एडवर्ब होगा ना एडवर्ब्स जो बहुत इजीली समझ में आते हैं वो वो है जो एल वाई से एंड करते हैं ठीक है इट्स अ वेरी कॉमन

पोस्ट दार्सल टूडे वेन शुड आई पोस्ट दुडे टोनी लेन डोनी लिव यसटे ठीक है तो ये जो एडवर्बाइम वाले ये एलवाई के साथ नहीं एंड कर रहे बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे आपको समझ में कैसे आएंगे मे बी इंस्टेंटली देख के नहीं समझ में आएंगे पर यह क्वेश्चन पूछने के बाद वेन क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जरूर समझ में आएंगे ठीक है नाउ लेट्स मू वॉन्ट टू वेयर किधर कहा ब्रिंग इट हियर कहा लेके आओ हियर आई यूज टू लिव देर कहा रहते थे आप देर ओके द इशूज आर हैपनिंग ओवर सीज वेर आर द इशूज हैपनिंग ओवर सीज ओके हाउ ऑफन हाउ ऑफन टेल्स यू अबाउट होप यू कैन सी दिस यस फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी अगर कुछ रेगुलरली होता है कभी कभी होता है रोज होता है हर सेकेंड होता है हफ्ते में एक बार होता है साल में एक बार होता है ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती है? किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन इट अकर्स ओके सो यू ऑलवेज कंप्लेन ये कितना कब 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 कंप्लेन करती है हमेशा कंप्लेन करती है ऑलवेज चेक योर वर्क ऑफन कितना चेक करना चाहिए मुझे हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई चेक माय वर्क ऑफन तो इसमें आप क्वेश्चन हाउ ऑफन या हाउ फ्रीक्वेंटली भी पूछ सकते हो टू बी समाइम्स लाइज हाउ ऑफन डू बी लाई समाइम्स कभी कभी हाउ फ्रीक्वेंटली डज टू बी लाई समाइम्स ठीक है एंड देन वी हैव हाउ मच मतलब कितना ओके द रिप इज एक्सट्रीमली नोटिसिबल ओके कितना नोटिसबल है और noticeable noticeable. Hard, okay? बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है एक्सट्रीमली नोटिसेबल डोंट वर्क टू हार्ड ओके बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो उस डिग्री तक मत करो कि आप एग्जॉस्ट ही हो जाओ आपका बर्नआउट ही हो जाए इट इज एक्स इंटायरली इनअप्रोप्रिएट हाउ इनअप्रोप्रिएट वॉज अ बिहेवियर इंटायरली इनअप्रोप्रिएट है ऐसा पता नहीं क्या किया होगा बट हाँ ठीक है सो so, आप ये देखना कि नीचे भी और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको ये देखो इधर इधर इधर

मॉडिफाई वर्ब्स मतलब दे गिव अर्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स एंड इज दैट इंफॉर्मेशन मतलब कैन द सेंटेंस एग्जिस्ट विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन येस बट समटाइम्स नो सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इम्पॉर्टेंस यू आर गिविंग टू दर्ब अगर आपको बताना है कि फिलिप सिंग्स इन द शावर ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हो कि वो फिलिप सिंग्स इन द शावर गाता है वो नहाते हुए But आपको ये बताना है कि वो इतना जोर से गाता है कि सबको सुनाई देता है ना कैसे गाता है लाउडली गाता है तो लाउडली आपका एड वर्ब हो गया आपको वर्ब के बारे में बता रहे है। अब मैं जल्दी से इसमें आपको एक और चीज बता देती हूँ अगर मैं ये कहती फिलिप सिंग्स वेरी लाउडली इन द शावर फिलिप सिंग्स वेरी लाउडली इन द शावर तो लाउडली तो हमें सिंग्स के बारे में बता ही रहा था तो ये तो एडवर्ब है ही है ना वेरी हमें किसके बारे में बता रहा है लाउडली के बारे में बता रहा है कि वेरी लाउडली कितना लाउडली गाता है वेरी लाउडली गाता है ओके सो वेरी इज एन एडवर्ब दैट इज मॉडिफाइंग एन एडवर्ब ठीक है तो आपके पास एक एडवर्ब इधर लाउडली हो गया जो सिंग्स के बारे में वर्ब के बारे में बता रहा है और एक हो गया वेरी जो आपको लाउडली एक और एडवर्ब के बारे में बता रहा है ठीक है ऐसे होता है कि एडवर्ब एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ठीक है माय कैट वेट्स इम्पेश फॉर इज फूड मतलब उससे इंतजार हो ही नहीं पाता है सो वेट्स इज योर वर्ब इज योर एडवर्ब आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन मैं बहुत सोचूंगी आपके सजेशन के बारे में ओके सो सीरियसली कंसिडर ओके विल कंसिडर विल आपका मॉडल हो गया कंसिडर आपका वर्ब हो गया सीरियसली आपका एड वर्ब हो गया ओके इजी ऑल राइट नाउ हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एड वर्ब्स मॉडिफाइंग मेनी थिंग्स इन अ सेंटेंस और एक जो पहला एग्जाम्पल है वो इसीलिए क्योंकि देर फोर देखे किसी को भी लगेगा नहीं कि ये एडवर्ब होता है समथिंग यू कैन रिमेबर वी एंडेड नूडल्स फॉर एवरी वन नाउ हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अगर देखो मैं देर फोर को थोड़ा मूव करती हूँ सेंटेंस में इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे येस्ट वी देर फोर तो मैं इसको एकदम वर्ब से पहले मूव कर दूंगी तो ऑब्वियस हो जाएगा कि देर फोर वर्ब के बारे में बात करें पर उसका बर्थडे था इसलिए मैंने नूडल्स बनाए ओके सो एनी सच वर्ड आपसे देखोगे देर फोर के तो वो सारे एड वर्ब ही होंगे और राइट ना Normally Normally we take the other road. Normally, we take the other road. तो तो so, uh, we normally take the the other other road. road. Okay? तो रहा है ऑब्वियस हो जाएगा कि ये एडवर्ब है पहले वाले एग्जाम्पल में एक और एडवर्ब था Yesterday जो हाईलाइटेड नहीं है तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ नाउ डोंट यू थिंक द कॉफी इज टू स्वीट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हुआ एडवर्ब कॉफी कैसी है स्वीट है कितनी स्वीट है सो टू जो आपका एडवर्ब है ठीक है समझ में आया नाउ डू नॉट वरी यू विल ग्रेजुअली लर्न हाउ टू डू इट ओके द सॉन्ग आई वॉज लिस टू यस टूडे वॉज वेरी सुदिंग अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ क्या था सूदिंग था कितना सूदिंग था वेरी था ये एडवर्ब आपको एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है ही टॉकिंग टू मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बट आई बेरली न्यू हिम बेरली मैं उसको जान बहुत ही कम जानती थी फिर भी हमने इतनी बातें कर ली इट इज एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड टूडे ओके आउटसाइड भी इसमें एडवर्ब हो सकते तो कितना हॉट है एक्सट्रीमली हॉट है ओके अनादर एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव नाउ यू सी कितना कॉमन है दिस एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव थिंग आपको सुनने में अजीब लगता है पर कितना कॉमन है और आप भी कितना कॉमनली करते हो यू जस्ट डिंट रियलाइज इट ओके सो एडवर्ब मॉडिफाइंग एडवर्ब एडवर्ब मॉडिफाइंग एडजेक्टिव इज एक्चुअली क्वाइट कॉमन इज जस्ट दैट वी डोंट पे अटेंशन टू इट वेन वी आर टॉकिंग इन नॉर्मल लाइफ ओके हॉट वेर आउटसाइड वेन टूडे ओके

अब क्योंकि आप एडवर्ब एक्सपर्ट्स बन ही चुके हो आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी इन द कमेंट्स व्हाट्स द राइट एडवर्ब कुड यू प्लीज फिनिश इट ब्लैंक सो दैट आई कैन यूज द टेबल ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स पीपल हु गिव मी द राइट आंसर्स विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट लाइव दैट वी हैव ओके सारे शाउट आउट्स मैं एक साथ करूंगी एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब जिन्होंने बिगिनिंग में नहीं किया था वो अब एंड में कर दो एंड Leave all your lovely comments like you do always. Champions are made here. We are here for you. So, 1 lakh, 1 saath, we can accomplish it. Like the video if it's helping you and do subscribe to the channel. I will see you next time. Take care. Bye-bye.